शबीर ने फूल नगर में एक ऐसे शादीशुदा जोड़े को देखा है जिनके छोटे छोटे 5 बच्चे थे, लेकिन उनके दरमियान शदीद कशीदगी चल रही थी। शबीर ने देखा कि एक दरवाजे पर बेल हुई तो बीवी ने अपने शौहर से दरवाजा खोलने के लिए कहा। हैं, ये सुबह सुबह कौन आ गया? जरा देखे तो जाके दरवाजे पे कोई आया है। अरे वही होगी तुम्हारी भांजी, क्या नाम है उसका? हाँ, फहमीदा। देखता हूँ। शौहर ने दरवाजा खोला तो वो फहमीदा ही थी। क्या कहा था मैंने? यही होगी, चैन थोड़ी है इसको। आज स्कूल की छुट्टी है क्या? जी खालू, स्कूल की छुट्टी थी तो मैंने सोचा क्यों ना खाला के हाथ के पराठे खाए जाएं। ये तो बहुत अच्छा किया, मैं तो जा ही रही थी पराठे बनाने। वैसे बाकायदा खूबसूरत होती जा रही है। मेरी भांजी है, खूबसूरत तो होगी ही ना। हाँ तुम तो कहोगी तुम्हारी भांजी जो है। अच्छा भैया, खड़े खड़े बातें करते रहेंगे, जाएं? आपको काम कहाँ है, जाना है या नहीं? हाँ हाँ जा रहा हूँ। अच्छा ये बताओ कि गोश्त के अलावा कुछ और लाना, मैं दोबारा नहीं जाऊँगा मार्केट। भाई चिकन ले आओ, क्योंकि हमारी फैमिली है तो गोश्त खाती ही नहीं है। अरे नहीं नहीं खालू, आपको मेरे लिए कुछ स्पेशल लाने की जरूरत नहीं। तुम्हें बड़ी खुशफहमी हो रही, तुम्हारे लिए कौन ला रहा? अपने लिए ला रहा हूँ। अच्छा भैया, आप बातें भगाते रहेंगे, जाएंगे भी? अरे हाँ हाँ जा रहा हूँ। तो जाओ ना। खाला बच्चे कहाँ हैं? बच्चे सो रहे हैं। अच्छा मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए, तुम बैठो, मैं भी आपके साथ आती हूँ। आ जाओ। शौहर चला गया तो फहमीदा की खाला रजिया पराठे बनाने में मसरूफ हो गई और फहमीदा बच्चों को तलाश करने लगी। खाला बच्चे कहाँ हैं? सो रहे हैं, मैं जाके उठा दूँ उन्हें फिर। अरे हंगामा करेंगे पूरे घर में। चलो मैं देख के आती हूँ। ठीक। फहमीदा कमरे में गई तो 5 छोटे छोटे बच्चे बेखबर नींद सो रहे थे। फहमीदा ने बच्चों को सोते में प्यार किया और फिर कमरे से बाहर निकलकर टीवी ऑन करके बैठ गई। अभी उसने रिमोट रखा ही था कि उसके मोबाइल पर किसी का मैसेज आ गया। फहमीदा ने मैसेज पढ़ा तो हैरान रह गई। ये मैसेज फहमीदा के खालू ने भेजा था। फहमीदा ने जेरे लब मैसेज को दोहराया और कुछ सोच कर हंसने लगी। आज तो बहुत अच्छी लग रही है। ये खालू भी ना खूब चीज है। आज तो मैं तो रोज ही अच्छी लगती हूँ। अरे क्या हुआ, किस बात पे इतना मुस्कुरा रही हो? अरे कुछ नहीं खालू, एक बड़े मजे का मैसेज आया, वो पढ़ के हंस रही हूँ। किसका? आपके उन्होंने जो सब्जी गोश्त लेने गए हैं। हम्म, क्या लिखा है? कह रहे हैं आज बहुत अच्छी लग रही हो। मुझे लगता है उनका दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गए हैं वो। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, अभी आएंगे ना तो फिर मैं देखती हूँ उन्हें। अरे छोड़े खाला, रहने दें। ठीक है। इसी दौरान बेल हुई तो फहमीदा दरवाजा खोलने के लिए जाने लगी। खोल दे बेटा, वही होंगे। जी खालू। वो भी ले आया सामान। थैला तो पकड़ ले मेरे पास। जी जी लाई दीजिए खालू। वैसे खालू एक बात तो बताइए, थैला पकड़े हुए कैसी लगी हूँ मैं? चुप चुप सुन लेगी तो कयामत कर देगी। सुन भी लिया और पढ़ भी लिया, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खिसक गया है। जरा देख तो लिया करो किसको क्या मैसेज कर रहे हो, शर्मो हया है कि नहीं? क्या? अच्छा वो नहीं नहीं, वो असल में हुआ यूं कि वो मैं तुम्हारे लिए लिख रहा था, गलती से इसको सेंड हो गया। क्या बात है मेरे शौहर की। हाँ ला बेटा थैला तो पकड़ा। अच्छा मैं आपके लिए पराठा बना दूं? बचेगा इससे, बचेगा तो मैं भी खा लूंगा। क्या मतलब खालू, आप तो ऐसे कह रहे हैं इससे मैं पूरे 10 पराठे खा लूंगी। खाला आप ऐसे कीजिएगा, खालू के लिए बना दीजिए पराठा, नहीं तो ये मेरे ही पराठे पे नजर मारते रहेंगे। सही कह रही हो, बना रही हूँ मैं आपके लिए पराठे।
रजिया और 42 साल इब्राहिम की 13 साल पहले शादी हुई थी। उनके 5 बच्चे थे। सबसे बड़े बच्चे की उम्र 9 बरस थी। रजिया का शौहर अपनी बीवी की भांजी में गैर मामूली तौर पर दिलचस्पी ले रहा था, जिस पर दोनों मियां बीवी के हालात कशीदा होते जा रहे थे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि इब्राहिम की बीवी कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। अरे वाह भाई, कहाँ की तैयारी? बाजी ने बुलाया, दोस्त अहमद को देखने के लिए कुछ लोग आए। अच्छा, मुझे भी बता दिया होता, मैं भी साथ चलता। कोई जरूरत नहीं है आपके जाने की। एक तो बाजी ने सिर्फ मुझे बुलाया और दूसरा आपको देखकर होता हुआ रिश्ता भी नहीं होगा। क्यों? इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। अरे वाह भाई, कहाँ की तैयारी? बाजी ने बुलाया, वो फहमेदों को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे। अच्छा, मुझे भी बता दिया होता, मैं भी साथ चलता। कोई जरूरत नहीं है आपके जाने की। एक तो बाजी ने सिर्फ मुझे बुलाया और दूसरा आपको देखकर होता हुआ रिश्ता भी नहीं होगा। क्यों? क्यों नहीं? मैं बदतमीज हूँ, जाहिल हूँ, क्या हूँ? है तो खैर आप बहुत कुछ। असलम, फिलहाल मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती। मैंने खाना बना के रख दिया है, आप खुद भी खाइएगा, बच्चों को भी खिलाइएगा। मैं 9-10 बजे आ जाऊंगी, दरवाजा बंद करने में जा रही हूँ। कमाल है। रजिया चली गई तो उसके शौहर इब्राहिम ने अपना मोबाइल फोन खोला और फहमीदा की तस्वीर को इनलार्ज करके देखने लगा। अजीब लड़की हो तुम। हम हैं कि तुम पर मरे जा रहे हैं, और एक तुम हो कि कहीं और शादी कर रही है। फिर इब्राहिम ने सिर्फ मुबारकबाद लिखकर मैसेज फहमीदा को भेज दिया, जिस पर फौरन उसका जवाबी शुक्रिया भी आ गया। जवाबी मैसेज के बाद इब्राहिम का हौसला बढ़ गया और उसने फहमीदा से मुमकिना रिश्ते की इतनी बुराई की कि फहमीदा ने उसकी बात मान ली और ओके लिखकर भेज दिया कि वो वहाँ रिश्ते से इनकार कर देगी। मैसेज पढ़ते ही इब्राहिम के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। दुनिया की आखिरी हसीना। फहमीदा ने अपने खालू के कहने पर रिश्ते से इनकार कर दिया था और इब्राहिम की बीवी को शुबा हुआ कि उसके शौहर ने ही उसे वरगलाया होगा। शब्बीर ने देखा कि इब्राहिम अपने जूते पॉलिश कर रहा था और उसकी बीवी वहीं आसपास अपने काम में मसरूफ थी और शौहर की किसी बात का जवाब हाँ हूँ करके दे रही थी। वैसे फहमीदा ने इस रिश्ते से इनकार करके अच्छा नहीं किया, लेकिन आखिर उसने ऐसा किया क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका दिल कहीं और हो? मुझे क्या पता, तुम्हें इतना शौक है तो जाओ जाके पूछ लो ना उससे। अरे मुझे क्या जरूरत है पूछने की, दफा करो, छोड़ो। अच्छा मेरा ये चप्पल तो देखो ना, कैसे चमका है, मेरा नया लग रहा है बिल्कुल। ऐसा करो, ये चप्पल अपने मुंह पे बांध लो, अगर तुम्हें थोड़ी सी शर्म हया और गैरत बाकी है तो। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? इंतहाई बदतमीज हो गई हो तुम। क्यों? जब देखो बकवास, जब देखो बकवास, जाओ यहाँ से। बकवास? बकवास मैं कर रही हूँ? हाँ, आज तक तुमने कहीं देखा या सुना है कि बीवी की भांजी से कोई शौहर सींगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हो? ये मजीद और बकवास, और अगर ये सच भी है तो हाँ मैं पसंद करता हूँ उसे। और कान खोल के सुन ले तू, तेरे मरने के बाद ना उसी से शादी करूंगा मैं। मियाँ जी, मरूंगी तो मैं अपने ही टाइम पर, फिलहाल मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। अब तुम संभालो अपना ये घर और बच्चे, मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, बाहर में जाओ मेरी तरफ से। हाँ हाँ, जा दफा हो यहाँ से, हस कम जहाँ पाक, जान छोड़ मेरी। इब्राहिम की बीवी शौहर की जानिब से मुबैना तशद्दुद
और बेइज्जती के बाद अपने पांच बच्चों को छोड़कर मायके चली गई थी। इब्राहिम ने लाख कोशिशें करके देख ली लेकिन बीवी ने घर आने से इनकार कर दिया था। इब्राहिम बच्चों को मुख्तलिफ रिश्तेदारों के पास लेकर गया लेकिन सब ने बच्चों को रखने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इब्राहिम ने अपनी बीवी को पैगाम दिया कि अगर वो नहीं आई तो वो सब बच्चों को नहर में डुबोकर मार देगा। एक दिन शब्बीर ने देखा कि रजिया का भाई दौड़ा दौड़ा घर आया और अपनी बहन को जो कुछ उसने देखा था वो बताने लगा। बाजी बाजी, क्या हुआ भाई, खैरियत है? इतने घबराए हुए क्यों? वो मैंने दूल्हा भाई को बच्चों के साथ नहर में जाते हुए देखा है। फिर रजिया को शौहर का वो पैगाम याद आ गया जिसमें उसने बच्चों को नहर में फेंकने की धमकी दी थी। कब? ये कितनी देर का वाकया है? अभी एक घंटे पहले। अल्लाह, मेरे बच्चे, चलो मेरे साथ। उधर माँ अपने बच्चों के लिए दौड़ रही थी और इधर शब्बीर ने देखा कि रजिया का शौहर नहर से पलटकर चोरों की तरह किसी नामालूम मकाम की तरफ भाग रहा था। बदबख्त सफाक बाप ने अपने ही बच्चों को एक एक करके नहर में डुबोकर मार दिया था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और वो अपने किए का इल्जाम अपनी बीवी पर लगा रहा था कि उसकी बीवी का चाल चलन अच्छा नहीं था। शब्बीर ने फूल नगर में पेश आने वाले इस इंतहाई अलमनाक वाकये की मजम्मत की है और पांच बच्चों के कातिल बाप को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने मुल्तान में एक ऐसे लड़के को देखा है जो मेहनत मजदूरी से भागता था और बाप की कमाई पर पल रहा था। कुर्बान नामी उस लड़के ने जहां फजूल किस्म के लड़कों से दोस्ती की हुई थी, वहीं उसकी दोस्ती हनी नामी ख्वाजा सरा से भी हो गई थी। यार, जब भी ये गाना सुनता हूँ ना, हनी याद आ जाती है। यार, आ जाती है, आ जाता है। ओ भाई, वो लड़की है, लड़का नहीं है। शब्बीर ने एक दिन देखा कि कुर्बान और उसका एक दोस्त एक घर में मौजूद थे और मौसीकी पर सर धुन रहे थे। तुझे कौन से हकीम ने मशवरा दिया था कि तू मर्दनुमा लड़की से दोस्ती कर? ओ भाई, पहली बात तो ये वो मर्दनुमा लड़की नहीं है, पक्की पक्की लड़की है। और बकौल तेरे अगर वो ख्वाजा सरा भी है तो क्या उससे दोस्ती करना गलत है? सही है या गलत ये मुझे नहीं पता भाई, मैं इन सब चीजों से ना बहुत दूर हूँ। अच्छा बात सुन, मैं ना हनी से मिलने जा रहा हूँ, इंतजार कर रही होगी मेरा, तू भी चलना मेरे साथ। मुझे कोई शौक नहीं, मुझे माफ कर दे भाई, तू चला जा अकेला। अच्छा सही है, मैं चलता हूँ। तू एक काम करेगा, मुझे कुछ पैसे उधार देते तो हनी के लिए कुछ खाने के लिए ले जाऊंगा। मैं जानता था तू पैसे ही मांगने वाला है, ये रख। थैंक यू यार। पहले भी पैसे ले चुका है, सब एक साथ वापस कर दियो जल्दी। हाँ हाँ दे दूंगा, चल मैं चलता हूँ। उधर शब्बीर ने देखा कि कुर्बान पैदल एक महल्ले में दाखिल हुआ और फिर दो चार गलियां मुड़कर एक घर के दरवाजे पर पहुंच गया। अंदर से नाच गाने की आवाज आ रही थी। कुर्बान दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगा। उसने झिरी से झांक कर देखा और फिर पीछे हट गया। तो मैसेज लगी हुई, थानी कह रही थी मैं किसी से नहीं मिलती हूँ। कुर्बान अपने आप से बातें करता हुआ पलट गया। मानक भेज कुर्बान, हम कुछ नहीं रखा है। कुर्बान और हनी नामी ख्वाजा सरा की एक स्टेज प्रोग्राम में मुलाकात हुई थी, फिर वो दोनों आपस में दोस्त बन गए थे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि कुर्बान बहुत उदासी के आलम में था। इसी दौरान उसके फोन की घंटी बजने लगी। उधर से हनी नामी ख्वाजा सरा बोल रहा था। हेलो
गुरबाज, तुम तो कहते थे तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो, और 3 हफ्ते हो गए तुमने मुझे पलट कर भी नहीं देखा, यहाँ तक कि फोन कॉल तक भी नहीं की कि मैं जिंदा भी हूँ कि मर गई। हाँ दोस्तों हूँ, तुम्हारे डेरे पर भी आया था। अच्छा तो फिर तुम अंदर क्यों नहीं आए? अंदर महफिल सज रही थी, पता नहीं तरह तरह के लोग आए हुए थे, मुझे गुस्सा आया और मैं वहां से चला गया। अच्छा तो अब मैं किसी से मिल भी नहीं सकती? और वैसे भी हमसे कौन लोग मिलते हैं, कोई मिलता भी नहीं है हमसे। और अगर कोई आ भी जाता भूले भटके तो क्या मैं उसे भगा दूं? हाँ हाँ जियो, जैसे तुम्हारा दिल करे जियो, रोका किसने? और पता है तुमने ना मुझे हैप्पी बर्थडे भी नहीं कहा। क्या हैप्पी बर्थडे कब? आज? अरे सॉरी यार मुझे याद नहीं। अच्छा मैं आ रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ। वक्त गुजरने के साथ साथ कुर्बान और हनी की दोस्ती गहरी होती जा रही थी और कुर्बान हनी का ख्याल रखने लगा था। शब्बीर ने देखा कि कुर्बान कहीं से थका हारा लौट रहा था कि रास्ते में उसका पुराना दोस्त मिल गया। अरे कुर्बान तू? अरे तू इधर किधर? मैं जरा काम से आया था यार। तू यकीनन हनी के पास जा रहा होगा। अरे हाँ उसी के पास गया, चला होटल में बैठते चाय पी के बात करते। हाँ चल ले चाय पी। फिर वो दोनों थोड़ी दूर एक ढाबे पर बैठे दिखाई दिए। और बता कैसी गुजर रही है हनी की जिंदगी? हाँ यार गुजर तो बहुत अच्छी रही है, मगर वो थोड़ी सी परेशान है यार। परेशान है क्यों, क्या हुआ? यार वो कहती है ना उसका कोई सहारा है, ना कोई औलाद और ना घर बार, उसे अपने बुढ़ापे की परवाह है यार। हाँ मगर हम क्या कर सकते हैं यार इसमें? यार मुझे ना उसकी बहुत फिक्र है, अगर मेरा कोई बेटा होता ना कसम से मैं उसे दे देता यार। पागल हो गया तू, अपनी औलाद उठा के उस क्वाजे तरह की गोद में डाल देता, ये नामुमकिन है। क्या करूं यार, मुझे उसके बुढ़ापे की परवाह उसकी परवाह है, मगर अभी तो वो जवान है ना, जब बूढ़ी होगी तो तब की तब देखी जाएगी। जवान तो है वो, मगर सर वो खुद कहती है कि उसकी उम्र ना तेजी से बढ़ रही है, यार बुढ़ापे में उसका कोई सहारा भी तो होना चाहिए। तू बता अब हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? यार तो कुछ करना यार प्लीज। अच्छा तो एक काम करते हैं, एक बच्चा किडनैप करते हैं और डाल देते हैं उसकी झोली में। हाँ यार गुड आइडिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं मजाक कर रहा हूँ, पागल हो गया तू, किसी का मासूम बच्चा उठा के उस ख्वाजा सरा की गोद में डाल दे। यार तू नाराज क्यों हो रहा यार? मैं तो मजाक कर रहा था। तू बनाता रे ख्याली पिलाओ, मैं जा रहा हूँ। छोड़ ना चाय पी, नाराज क्यों हो रहा है? काम ले यार। कुर्बान के दिल में बुरी तरह खन्नास समा चुका था और उसने फैसला कर लिया था कि वो किसी बच्चे को अगवा करके अपने दोस्त हनी की गोद में डाल देगा। केले मलाई केले 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 मलाई केले। एक दिन शब्बीर ने देखा कि कुर्बान एक ठेले से फल खरीद रहा था, ठेले वाले के साथ उसका 2 साल बच्चा भी था जिसे ठेले वाले ने रेड़ी पर बिठा रखा था। कुर्बान बार बार बच्चे की तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। भाई लेना वेना भी है कुछ, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं? अरे भैया पैसे नहीं है मेरे पास, ऐसे ही देख के दिल बहला रहा हूँ। अबे जाबे जा अपना काम कर, जब पैसे नहीं है तो लेने काहे को आया? गुस्सा क्यों कर रहे हो आप? जाता हूँ। तो बच्चा बहुत प्यारा है, नाम क्या इसका? कुर्रम नाम है इसका। और तेरे से मतलब? यही रहते हो आप? नहीं सारा इंटरव्यू तू आज ही लेगा, चल अपना काम कर चल। अच्छा भाई जाता हूँ, बड़ा क्यों रहे हो यार? केले केले मलाई केले। कुर्बान मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया केले, और ठेले वाला फल की आवाज लगाने लगा। 60 का 12 100 का 2 दर्जन केले केले, 60 का 12 100 का 2 दर्जन ले ले केले। कुर्बान ने बच्चे को ताक लिया था और अब वो इस फिक्र में था कि वो किस तरह बच्चे को अगवा करे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि कुर्बान एक गली में था जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे। इतनी देर में 2 साल खुर्रम भी घर से निकलकर गली में आ गया।
इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। एक दिन शब्बीर ने देखा कि कुर्बान एक गली में था जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। इतनी देर में दो साला खुर्रम भी घर से निकलकर गली में आ गया। इससे पहले कि कुर्बान मौका देखकर बच्चे की तरफ बढ़ता, उसकी ख्वाजा सरा दोस्त हनी का फोन आ गया और कुर्बान एक तरफ खड़ा होकर उससे बातें करने लगा। कुर्बान, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि आज के बाद मुझसे मिलने मत आना। अरे मेरी जान, गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या हो गया? मुझे क्या पता। मेरी जान, गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं जानता हूँ तुम क्यों नाराज हो। आज ना मैं तुम्हारी सारी नाराजगी दूर कर दूंगा। आ रहा हूँ एक दो घंटे में। अल्लाह हाफिज़। शब्बीर ने देखा कि कुर्बान एहतियात के साथ बच्चे के पास गया और उसके साथ खेलने लगा। बच्चा फौरन ही कुर्बान से हिल गया। फिर शब्बीर ने देखा कि कुर्बान बच्चे की उंगली पकड़े गली से निकल रहा था। कुर्बान ने बच्चा अगवा करके हनी की झोली में डाल दिया था। बच्चे की गुमशुदगी पर उसके माँ बाप पर गशी के दौरे पड़ने लगे और उन्होंने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। शब्बीर ने यह भी देखा कि थाने में बच्चे की माँ और उसका बाप मौजूद थे। माँ हजारों कतार रो रही थी। भाई साहब, हमारा मासूम बच्चा अगवा हो गया है। खुदा के लिए हमें हमारा बच्चा चाहिए। हाँ तो आपको किसी को शक है? अल्लाह जाने भाई, खेलने के लिए गया था बच्चों के साथ। कुछ देर के बाद उसका पता ही नहीं चला। खुदा जाने कौन हमारे बच्चे को उठा के ले गया। खुदा के वास्ते हमारे बच्चे को दिलवा दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। जी मैंने रिपोर्ट लिख ली है आपकी। आप तसल्ली रखें और बेफिक्र रहिए, आपका बच्चा जरूर बाजियाब होगा इंशाल्लाह। पुलिस ने दो चार दिन की कोशिश के बाद दो साला खुर्रम को हनी के अड्डे से बरामद करके ख्वाजा सरा हनी, कुर्बान और दीगर दो मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया था। क्योंकि मैं मुल्तान के मुख्तलिफ थानों में SHO रहा हूँ, तो मैं SHO कुतबपुर भी रहा हूँ। तो कुतबपुर से मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली कि ख्वाजा सरा है मोहम्मद यूसुफ और हनी, उसके पास एक बच्चा आया है। तो मुझे थोड़ा सा ये क्लिक हुआ कि ये चेक करना चाहिए क्या मामला है। और अल्हम्दुलिल्लाह रात को जो है हमने इसकी जो है ना मुखबरी करके इसको पकड़ा है। और जब यकीन जाने कि जब गए हैं तो अल्लाह का करम नवाजी ऐसी हुई कि ये बेड के ऊपर ही बच्चा ये बैठा था और उन तीनों में से एक मुलजिम भी उसके साथ था। फिर जब उनको इंटरोगेट किया तो उन्होंने इन सब का नाम बताया है। तो को पकड़ा, जब से पूछा गया उसने कहा ये मेरे तीन दोस्त हैं, उन्होंने ये मेरे लिए मुझे गिफ्ट किया, बच्चा तोहफा दिया है। तो मामले हैरान हुए कि ये क्या बात है। लेकिन फिर हम उन तीनों को भी पकड़ा। एक ये तकरीबन दो घंटे के अंदर अंदर तमाम मुसलमान थे और बच्चा को सफर गिरफ्तार कर लिया, बच्चा बरामद कर लिया। ख्वाजा सरा है जिसका नाम हनी है, जिसका तो उसको खुश करने के लिए या उसको एक गिफ्ट के तौर पर तो वो उसे डिमांड किया करते थे कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। जो हमें उन्होंने बताया जो तफ्तीश में इस बात सामने आई है कि मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ या बूढ़ी होती जा रही हूँ, तो मेरे सहारा में मेरे लिए है तो मुझे पूछिए, बच्चे तो मेरे पास है ही नहीं। ये फिर खुद ही कहीं प्लान किया, ये खुद भी तीनों दोस्त थे या फिर उसके भी दोस्त थे, सारे एक ही ग्रुप था। इस वजह से मैंने इतना इकदाम उठाया और इतना घराना जीवन किया अपने दोस्त को खुशी के लिए। यही केस के पीछे बैकग्राउंड अभी तक सामने आई है। फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने सोर्स है मैनुअल है या जो टेक्निकल थे, तो वो इस वजह से जवाब दे गए क्योंकि हमें कोई उसका क्ल्यू नहीं मिल रहा था कि उसको किसने अगवा किया है। ना कोई अगवाकार का पता चल रहा था, ना कोई मकसद पता चल रहा था। रात को फिर हमें 11 बजे इतला मिली कि कहीं फिलहाल जगह पर कोई एक जगह है, तो वो बच्चा हमारे इलाके में नहीं किसी और थाने के दूध में था, तो वो कोई अननोन बच्चा है, तो वो किसी शीमेल के पास है। तो हम वहाँ से फिर टीम बनाई, टीम बनाने के बाद वो तरतीब दी और SHO तकरीबन 11-12 बजे के करीब वहाँ का जब रेड किया तो हमें वहाँ से वो बच्चा भी मिल गया। बिल्कुल छोटा मासूम सा बच्चा था।
शब्बीर ने बच्चे को बरामद करने की कोशिशों की तारीफ की है। तो इतवार वाले दिन जो है मैं काम पर गया हुआ था, तो मगरिब के बाद जो है ना मुझे फ़ोन आया घर से कि आपका बच्चा जो है ना नहीं मिल रहा। तो मैं जल्दी से आ गया घर, मैंने आकर देखा अच्छी तरह, ऐलान करवाया मस्जिदों में, कहीं भी नहीं मिला। तो मेरी हुकूमत से ये दरख्वास्त है इमरान खान से कि इनको सख्त से सख्त जो है ना सजा दी जाए, इनको छोड़ा ना जाए, इनको इनको जो है ना रोजाना इनको, ये किसी और के भी बच्चे उठा सकते हैं, फिर और वालदैन परेशान होंगे, तो इनको सख्त सजा मिलेगी तो फिर आइंदा जो है ना ये इस तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे। बच्चे के अगवा में मुलव्विस तमाम मुलजिमान को कानून के मुताबिक सजा देने का मुतालबा किया है। इनके साथ मेरा रब्ता हुआ, मैं इनसे मिलने के लिए गया था, वहाँ ये बच्चा रो रहा था। तकरीबन हमने 15-20 मिनट हमने जितनी देर वहाँ पर बोतल वगैरह पी है, हमने इसे नोट किया। मैंने कहा यार इस तरह बच्चा चाहिए, इन्होंने कहा कोई मसला नहीं ले लेते हैं। तो उसे हम लेकर इनके पास चले गए, उसका कान भी खराब था, हमने उसका ट्रीटमेंट वगैरह भी उसी तरीके से करवाया, क्योंकि इन्होंने पालना था, इन्हें शौक था कि मैं मेरी औलाद हो जिसे मैं पालूं। इन्होंने ना उसे उठाया, गाड़ी में उठा के चले गए, काफी देर से 15-20 मिनट रोता रहा वो, फिर इन्होंने देखा है ये उठा के चले गए, इन्होंने उठाया तो भाई गाड़ी चला रहे थे ये, मैं नहीं था, मैं चला गया था, फिर ये मुझे कह रहे थे बैठ जाओ, मैं फिर चला गया था पैदल। भाई को चाहिए था बच्चा, उन्होंने पालना था, तो उन्होंने बाइक चला रहा तो उन्होंने उठाया, तो ये दोनों पीछे बैठ के हम चले गए। नहीं कोई प्लान नहीं किया, वो लेकर आए थे, मैंने रख लिया, वो कहते बेटा है, मैंने कहा ठीक है मोस्ट वेल, अदरवाइज कुछ भी नहीं। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी, देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाकये से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड कराची, एक्सप्रेस न्यूज़, शब्बीर तो देखेगा।